जिस देश में हम सब रहते हैं, जिस कंट्री के साथ हमारे पहचान और आइडेंटिटी जुड़ा हुआ है, उस देश का फ्यूचर कैसा होगा, ये क्वेश्चन सबके माइंड में होता है। तो इसी का जवाब देने के लिए मैं इस वीडियो को लाया हूँ, जिसमें आप जानेंगे इंडिया के सारे मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जो अंडर कंस्ट्रक्शन में है, और 2030 से 35 तक ये सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहले इस आर्टिकल को देखो, जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि हमारा इंडिया 2030 तक एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी बन जाएगा। तो आखिर कैसा होगा हमारा देश इंडिया इन आने वाले सालों में? तो गाइस, ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा है ग्रीनफील्ड सिटी एंड अर्बन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और तीसरा है अदर कम्प्लीटेड एंड इनकम्प्लीटेड प्रोजेक्ट। सो लेट्स बिगिन। बुलेट ट्रेन, जितनी तेजी से इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा है, उतनी ही रफ्तार से इंडिया में ट्रेन भी दौड़ेगी। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने इस डील की अनाउंसमेंट की थी, जिसके कारण जापान ने इंडिया को 88,000 करोड़ का लोन दिया है, जिससे इंडिया में बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट शुरू हो पाया है। और इसका टोटल कॉस्ट 1,10,000 करोड़ रुपए है, और इसमें से 20% हिस्सा इंडिया खुद फंड करेगा। ये बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद तक होगी, और ट्रेवल करने में 2 घंटे लगेंगे, जो अभी 8 घंटे लगते हैं। और इसका 21 किमी का एक प्याज पानी के अंदर से गुजरेगा, और इस ट्रेन का टॉप स्पीड 350 किमी पर आवर्स रहेगा। ये प्रोजेक्ट 2020 से शुरू होकर 2023 में खत्म होने वाला था, लेकिन ये प्रोजेक्ट अभी 2028 में पूरा होने वाला है, और डिले होने के चलते इसका कॉस्ट भी बढ़ सकता है। चेनाब ब्रिज, इंडिया के जम्मू कश्मीर राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज बन रहा है। चेनाब नदी के ऊपर बन रहे इस आइकॉनिक ब्रिज का लेंथ है 315 मीटर, और नदी से इस ब्रिज की ऊंचाई 359 मीटर है। इस ब्रिज को बनाने में अब तक 10 साल का समय लगा है, और ये ब्रिज 2022 के दिसंबर में पूरा हो जाएगा। ये ब्रिज जोन 5 के हाई इंटेंसिटी के साथ अर्थक्वेक को भी झेल सकता है। ब्रिज को ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि ये ऐसे ही 120 साल तक टिका रहे। ब्रिज के ऊपर ट्रेन की पटरियां ऐसे बिछाया जाएगा ताकि ट्रेन इस पर 100 किमी पर आवर की स्पीड से जा सके। ब्रिज के अलग अलग पार्ट को जोड़ने के लिए तकरीबन 584 मीटर तक वेल्डिंग किया गया है। ब्रिज को आतंकवादी और हमले से बचाने के लिए बहुत से सेफ्टी लिया गया है, क्योंकि ब्रिज और पाकिस्तान के बॉर्डर में 65 किलोमीटर का फासला है। वहां पर मौजूद चेनाब नदी के इतने ऊपर ब्रिज को बनाना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए इसका कंस्ट्रक्शन इंडिया के लिए चुनौतीपूर्ण होने वाला है। ब्रिज के केबल क्रेन की ऊंचाई 127 मीटर है, जो कुतुब मीनार से भी ऊंचा है, और चेनाब ब्रिज की कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट 1486 करोड़ रुपए है। वही ये पेरिस के फेमस आईफिल टावर से भी काफी ऊंचा है। न्यू मेट्रो लाइन्स अक्रॉस सिटीज, अभी के टाइम में टोटल 18 सिटीज में मेट्रो लाइन मौजूद है, और उनमें से 13 सिटीज को ही इसका एक्सेस है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये डिक्लेयर किया है कि 2025 आने तक इंडिया के 25 सिटीज में मेट्रो लाइन्स होंगे। ये मेगा प्रोजेक्ट भी काफी इम्पोर्टेंट है इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, जिनमें आगरा, मीरुत, कानपुर, अहमदाबाद, कोची, पुणे और पटना जैसे सिटीज शामिल है। न्यू पंबन ब्रिज, गाइस और एक मेगा प्रोजेक्ट है जिसमें पंबन ब्रिज को रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा, जिसमें बहुत ही एडवांस सिस्टम होगा, जिसके कारण ट्रेन और शिप्स एक साथ जा पाएंगे, और ये ब्रिज इंडिया का सबसे डेंजरस रेलवे ब्रिज है। तो आप बात करते हैं रोडवेज प्रोजेक्ट की। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, इंडिया का सबसे बेहतरीन एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन अभी हो रहा है। ये हाईवे देश को एक अलग ही लेवल पे ले जाएगा। इसका टोटल कॉस्ट लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए है। ये हाईवे एक्सेस कंट्रोल है, मतलब कि इसके बीच में से कोई आ जा नहीं पाएगा। इसके बनने से 32 करोड़ लीटर फ्यूल बचेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में भी कमी आएगी, जो 4 करोड़ पेड़ लगाने जैसा है, जो हमारे नेचर के लिए बहुत ही अच्छा है। इस एक्सप्रेसवे के साइड में हर 500 मीटर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा, और इसके साइड में टोटल 40,00,000 पेड़ लगाए जाएंगे। एक हेलीपॉड भी बनेगा, जो इमरजेंसी में काफी यूजफुल होगा। एनिमल्स के बचाव के लिए इसमें 350 किलोमीटर के बीच बीच में 3 ओवरपास बनेंगे। ये पास रणथंभौर नेशनल पार्क, बूंदिल रामगढ़ टाइगर रिजर्व और कोटा मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व के बीच कॉरिडोर में बनाया जाएगा, जिससे एनिमल्स इधर उधर आसानी से ट्रेवल कर पाएंगे। दिल्ली टू मुंबई का सफर आने वाले दिनों में 12 से 13 घंटे में आसानी से पूरा किया जा सकेगा। अभी दिल्ली से मुंबई का डिस्टेंस 1510 किलोमीटर है, वही एक्सप्रेस हाईवे के बनने के बाद 1380 किलोमीटर रह जाएगा, और इस हाईवे में टोटल 8 लेन्स होंगे। इसे 12 लेन्स तक एक्सपेंड किया जा सकेगा, और ये 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा, जो इंडिया का सबसे लंबा और बिजीएस्ट वे बन जाएगा। मुंबई कोस्टल रोड, ये कोस्टल रोड 8 लेन्स का होगा, जो मुंबई के वेस्टर्न कोस्ट लाइन को कनेक्ट करेगा साउथ में मरीन लाइन्स और नॉर्थ में कांदिवली तक। इस रोड की कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट 12,000 करोड़ रुपए है,
और यहाँ से करीब हर दिन 130,000 गाड़ियाँ जाएंगे। इस प्रोजेक्ट की वजह से साउथ मुंबई से वेस्टर्न सबअर्ब जाने में सिर्फ 40 मिनट समय लगेगा। इस प्रोजेक्ट की पहले ही फेज में 9.9 किलोमीटर वाला सेक्शन बनेगा जो प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर से बांद्रा वाली सी तक होगा, और दूसरे फेज में 19.22 किलोमीटर का रोड जो बांद्रा से कांदीवली तक होगा, और 9.5 किलोमीटर लंबा वर्सोवा बांद्रा सीलिंग भी होगा। और गाइस, ऐसे ही और भी हाईवे एक्सप्रेसवेज अंडर कंस्ट्रक्शन में है, जैसे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे, रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे और ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे। तो अब बात करते हैं एयरबेस प्रोजेक्ट की। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट नोएडा से 60 किलोमीटर दूर और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 72 किलोमीटर दूर होगा, जो जयपुर की गौतम बुद्ध नगर में बनाया जाएगा, जो आता है उत्तर प्रदेश में। इस प्रोजेक्ट का डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन 2019 में ही शुरू हो गया था। 5,000 हेक्टर में बनाए जाने वाला इस प्रोजेक्ट को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है, बट इसका ऑफिशियल नाम नोएडा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 29,560 करोड़ रुपए है। 2024 तक इस एयरपोर्ट के दो दो रनवे कंप्लीट हो जाएंगे और बाद में यहां पर और भी 6 रनवे बनाए जाएंगे, जो काफी बड़ा होगा और इसके टेक्नोलॉजी एकदम एडवांस होंगे। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई में एक और नया एयरपोर्ट बन रहा है जो पनवेल नवी मुंबई में होगा, यानी पुराने एयरपोर्ट से 35 किलोमीटर दूर पर। ये एयरपोर्ट 1160 हेक्टर लाइंस में बनेगा और ये भी ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। इस प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट 16,700 करोड़ रुपए होगी। इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन अगस्त 2021 में ही शुरू हो गया था और दिसंबर 2024 तक कंप्लीट होने का उम्मीद है, जिसके कारण छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कुछ ट्रैफिक को यहां पर शिफ्ट किया जा सकेगा, जिससे भीड़ कम होंगे और इंडिया में और भी ज्यादा फ्लाइट होंगे। इस एयरपोर्ट में टोटल 2 रनवे होंगे। तो अब बात करते हैं ग्रीनफील्ड सिटी और अर्बन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट। इस प्रोजेक्ट की वजह से इंडिया में एक नया संसद भवन और नए काउंसिल स्ट्रीट का निर्माण किया जाएगा। इसको सितंबर 2019 में ही अनाउंस किया था, जिसकी कॉस्ट 13,450 करोड़ रुपए है। सेंट्रल विस्टा एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जिसमें 3 किलोमीटर लंबा राजपथ जो राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच में होगा, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक्स को कन्वर्ट करेंगे, जिससे पब्लिक म्यूजियम्स को एक्सेस कर पाए, एक पार्लियामेंट बिल्डिंग विथ मोर कैपेसिटी, नए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए, और पुराने स्ट्रक्चर्स को म्यूजियम में कन्वर्ट किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट दिसंबर 2020 में ही शुरू हो गया था और 2024 तक कंप्लीट करने का उम्मीद है, जो टोटल 64,500 मीटर स्क्वायर में फैला होगा। ये सेंट्रल विस्टा राइजनी हिल्स न्यू दिल्ली में बनेगा और इस कैटेगरी के बाकी के प्रोजेक्ट में स्मार्ट सिटी मिशन, नविया अयोध्या, डायमंड रिसर्च एंड मर्सेंटाइज सिटी। अब हमारे लास्ट कैटेगरी, कंप्लीटेड एंड इनकम्प्लीटेड प्रोजेक्ट्स। तो एरोस्पेस में गंगायान स्पेसक्राफ्ट, मून के लिए चंद्रयान 3 और आदित्य एल्बम जो सन को स्टडी करने के लिए है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत नेटवर्क, नेबिक और 5G नेटवर्क है। इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। रिलीजियस प्रोजेक्ट में राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम, केदारनाथ टेम्पल रिवैम और वृंदावन चंद्रदया टेम्पल है। स्पोर्ट्स में नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है कैपेसिटी वाइज। तो गाइस, आपको इस टॉपिक पर क्या लगता है? क्या हमारा इंडिया 2035 तक एक मॉडर्न और डेवलप कंट्री बन जाएगा? आपके विचार इस वीडियो के कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दे। चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि हमारा नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।